the ecological approach to perception ecology means the environment in which we live and perform our actions and where we perceive the things around us in the environment the ecological approach to perception focuses on how perception occurs in the environment and how does it focus on perception Number one, by emphasizing the moving observer, how perception occurs as a person is moving through the environment, you know, like walking or reaching out or running. And two, it identifies information in the environment that the moving observer uses for perception. As Gibson says, look for information in the environment that provides. इन्फॉर्मेसन और परसैप्शन तो मूव करने के लिए हमें कुछ इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ चल सकते हैं किसी चीज़ को उठा सकते हैं या किसी को फॉलो कर सकते हैं अपनी आँखों से ज़रा तस्वुर करें कि एक बच्चा चल रहा है छोटा बच्चा और वो कहीं गिर सकता है या वो किसी ख़तरे वाली चीज़ की तरफ जा सकता है या वो बहुत तेज़ है या स्लो है और हम चाहते हैं कि वो तेज़ चले इन सब के लिए हमें मूवमेंट परसेप्शन की ज़रूरत है ऑप्टिक एरे ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जब हम मूव करते हैं या कोई चीज़ मूव करती है जो हमारे गिर्द एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उनके टेक्सचर उनके सरफेस और उनके जो कॉन्टोर्स हैं कोने वगैरह उनसे एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो जाता है हमारी आँखों के इर्द गिर्द ऑब्जर्वर की अपनी जो मूवमेंट है वो इस ऑप्टिक एरे में कुछ चेंजेस लाती है एज वी वॉक ये ऑप्टिक एरे जो है ये चेंज होता है फिर वो जो सर्विसेज, कॉन्टोर्स और टेक्सचर्स में चेंज होती है उससे हमारी परसेप्शन की इंफॉर्मेशन आती है कि कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है आगे को जा रहे हैं पीछे को जा रहे हैं राइट या लेफ्ट को जा रहे हैं दूसरी चीज़ है ऑप्टिक फ्लो ये जो एलिमेंट्स हैं सीन में वो हमारे हिसाब से रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर किस तरह से मूव कर रहे हैं अब ये एक गाड़ी है जो स्पीड करके तस्वीर के एंड पे एक वाइट डॉट नज़र आता है ये उसकी तरफ जा रही है वाइट डॉट के करीब एरो जो हैं वो छोटे हैं और कार के करीब जो एरो हैं वो ज्यादा बड़े हैं इसके लिए ये वाले एरोज जो हैं ये बड़े नजर आते हैं क्योंकि कार इस तरफ से जा रही है और इधर जो वाइट डॉट है इस मंजिल के एंड पे वहां पे इस कार ने पहुंचना है ब्लर भी ज्यादा हो जाता है कार के करीब और एरोस का साइज भी द डिफरेंट स्पीड ऑफ फ्लो फास्ट नियर द ऑब्जर्वर एंड स्लोअर फॉर दर वे इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू गिप्सन द ग्रेडियंट ऑफ फ्लो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्वर स्पीड द एबसेंस ऑफ फ्लो एट द डेस्टिनेशन पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एक्सपेंशन एफ ओ ई फोकस ऑफ एक्सपेंशन इज सेंटर्ड ऑन द ऑब्जर्वर डेस्टिनेशन इट इंडिकेट्स वेयर द ऑब्जरवर इज हेडिंग किधर को जा रहे हैं वो इन वेरियंट इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि वेरी नहीं करती जो बदलती नहीं है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है डिफरेंट कंडीशंस में सबसे की इनवेरियंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो इनवेरियंट रहती हैं जैसे जैसे ऑब्जर्वर मूव करता है ऑप्टिक फ्लो प्रोवाइड्स इनवेरियंट इंफॉर्मेशन क्योंकि वो हर हाल में होता है चाहे ऑब्जर्वर कहीं भी जा रहा हो जब तक कि वो मूव करता रहता है फोकस ऑफ एक्सपेंशन इज़ आल्सो इन क्योंकि ये हमेशा वहीं सेंटर होता है जहाँ पर कोई पर्सन उत्तर सेल्फ प्रोड्यूसड इनफॉर्मेशन जो है ये एक रेसिप लोकल रिलेशनशिप है मूवमेंट में और परसेप्शन में हमें परसीव करने के लिए मूव करने की जरूरत है और मूव करने के लिए प्रसीव करने की जरूरत है हम नहीं चल सकते ना जब तक परसीव ना करें और हम जब मूव करते हैं तो फिर परसैप्शन जो है वो बदलती है और वो हमें आगे मूव करने में हेल्प करती है अब समर सॉल्टिंग यानी कलाबाजी लगाना जो है वो एक खास किस्म की मूवमेंट है उसमें जो जिमनास्ट है वो एयरबॉन मूवमेंट परफॉर्म करता है और छलांग लगाकर उसी पोजीशन में 600 हंड सौ यानि सिक्स हंड्रेड मिली सेकेंड में उसने कलाबाजी भी लगानी है और उसी करेक्ट बॉडी कन्फिग्रेशन में आना है जिसमें वो उसने जमीन के ऊपर हिट करना है आके तो हम देख रहे हैं कि फ्लो जो है वो इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस इन्फॉर्मेशन से हम मूव कर रहे हैं उस मूवमेंट से हमारा और फ्लो है और इस तरह से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है ये समर सॉल्ट की एग्जांपल है इसके स्नैपशॉट्स देखें लेफ्ट से राइट right पे गया है और बॉडी की ओरिएंटेशन को उसने कंट्रोल करना है तो उसके अगर परसीव नहीं करेगा कि मैंने कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है और कैसे लैंड करना है तो वो ये एक्शन नहीं कर सकता और आम जिंदगी में भी हमें ऐसे बहुत से एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है नोविस एंड एक्सपर्ट्स ये होते हैं नोविस होते हैं जो अभी तजर्बाकना हो और एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें बहुत तजर्बा हो किसी चीज़ का एक रिसर्च के मुताबिक जो एक्सपर्ट जिमनास्ट हैं वो आंखें बंद कर लें तो वो बहुत पोअरली परफॉर्म करते हैं क्योंकि उन्होंने परसेप्शन के ज़रिए सीख लिया होता है एक्सपर्ट होते हैं ना कि उन्होंने अपनी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है जो नए लोग होते हैं इस काम में उन्होंने अभी सीखा नहीं होता तो उनकी जो आंखें बंद करने या ना बंद करने से उनकी सॉल्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कलाबाजी लगाने ही की तरह जो बाकी मूवमेंट भी हैं वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ परसेप्शन इंफॉर्मेशन मांगती हैं उसकी हमें ज़रूरत होती है। अब मूवमेंट जैसे हमने कहा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि क्योंकि हम खुद भी चलते हैं हमारे इर्द गिर्द लोग भी चलते हैं और हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स भी मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं तो हमें उनके हिसाब से मूव करना होता है इसकी कई सूरतें होती हैं कभी तो हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है कभी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है हम उसको आंखों से फॉलो करते हैं और कभी हम भी मूव कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है तो ये जो हमारी सेंसेस हैं इनमें ये अकेली नज़र का काम नहीं है नज़र विजन हेयरिंग, टच स्मेल और टेस्ट जो है ये सब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक ही बिहेवियर के लिए इसमें स्विंगिंग रूम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मसलन एक कमरा जो हिलता है उसमें 16 महीने के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब वो कमरा हिलता है तो वो जब पीछे को जाता है तो बच्चा आगे को होता है और अगर कमरा पीछे को जाता है तो बच्चा जो है वो आगे को होता है और अगर कमरा आगे को होता है तो वो उसकी बॉडी पीछे को अलाइन करती है जो इंफॉर्मेशन उस मूवमेंट से मिल रही होती है उसकी परसेप्शन के जरिए उसके हिसाब से उसकी बॉडी एडजस्ट करती है विजन जो है ये एक बैलेंस का बहुत पावरफुल डिटर्मिनेंट है यानी हम जो बैलेंस रखते हैं अपने आप को गिरते पड़ते नहीं हैं और कदम से कदम बढ़ा के चल सकते हैं इसमें हमारी नज़र बहुत काम आती है आ, ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ बैलेंस इंफॉर्मेशन है जो कान कान के अंदर जो इनर ईयर होता है उससे हमें जो मिलती है ये और मसल रिसेप्टर्स से जो मिलती है कि हम तेज़ चल रहे हैं या हमारे मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं हमारे जॉइंट्स जोड़ हैं जो घुटनों के या जिसम के और हिस्सों के या हाथ का जोड़ जैसे आपने कोई चीज़ दूर फेंकनी है तो आपका ज्वाइंट आपको बताता है कि आपको क्या स्पीड करनी चाहिए अब ये जो आ, सारी इंफॉर्मेशन है इनमें विजन जो है ट्रेडिशनल सोर्सेस को जो मैंने कहे कान के और जॉइंट्स के इनको ओवर कर सकता है क्योंकि ये सबसे पावरफुल डिटर्मिनेंट है हमारी मूवमेंट का